आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को सभी 2176 बूथों पर 5000 वृक्षारोपण किया गया और साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए पालक के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 5000 वृक्ष लगाए गए, साथ ही उन पौधों के बड़े होने तक उनके पालक नियुक्त कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। रोपण किया गया कार्यालय पे और जगह जगह किया जाएगा सर, क्या है पूरा ये? देखिए, सेवा पखवाड़ा चल रहा है, 17 सितंबर से ही शुरू हुआ था पूजनीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से, और ये 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलने वाला है, और उसमें अलग अलग कार्य सौंपा गया था सभी लोगों को। यहाँ आज हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हमारे जिला अध्यक्ष जी जो गुरु सिंह जी, हमारे जो बाकी पदाधिकारीगण हैं सबके साथ में आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण इसलिए भी आवश्यक है कि पूरी दुनिया को अगर बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, और आप ये भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ये वृक्ष जो है हमको अपने जीवन में इतना कुछ देता है कि अगर हम वृक्ष आज लगाते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ी सौगात देके जाते हैं, क्योंकि एक वृक्ष हमें इतना ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लकड़ियाँ देता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाया गया है वो समाज के लिए और वातावरण के लिए ही है, और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब लोग घर घर में वृक्ष लगाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ में ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, 5000 पेड़ यहाँ आज लगने वाला है हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, तो अभी शुरुआत हो गई। अब देखिए लगातार हम लोग जो है वृक्षारोपण, उसके देख रेख के लिए भी किसी को नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, इसके देख रेख अलग रखा गया है, और ये जरूरी है, वृक्ष लगाने से ज़्यादा जरूरी है उसकी देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम जहाँ भी वृक्ष देखें उसकी रख रखाव की व्यवस्था करें, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है वो धरोहर है।